अभी इधर से मैं 80 पे भी लेके जाऊँ ना तो चढ़ाई खत्म होने तक तकरीबन जो है ना मेरी गाड़ी की स्पीड रह जाएगी 10। और सब्र करना हूँ, ये देखें भाई वो सामने ऊपर छुट्टा खड़ा है कुबरी के ऊपर, तो इसने मेरी जो है ना अभी पूरी ओवरटेक मारा नहीं है तो मेरे ट्रैक में करने लग गया छुट्टे के डर से। भाई ये चढ़ाई जो है ना है ही बहुत सख्त चढ़ाई है, शायद कैमरे में आपको इतना ना महसूस हो रहा हो लेकिन जो है ना ये बहुत तगड़ी चढ़ाई है, बहुत तगड़ी है। टेंशन नहीं लानी, अल्लाह अकबर। चौथा गियर हो गया भाई, गियर छोटा हो गया और 10 की स्पीड हो गई है और अभी मेरी चढ़ाई आधी हुई है। प्रैंक 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 हो गया क्योंकि अभी अल बैक नहीं चालू, उसके चक्कर में भाई मैंने पीछे भी ना खाना नहीं खाया और अभी शाम के 5 हो गए हैं, अभी पता नहीं आगे होटल है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम है जी आप सबका। अभी हम जनाब निकल रहे हैं जी सुबह के 7 बजे, ये रात को जिधर सोया था हम दीना पार्क से आगे निकल के, एक पार्किंग थी, देखें अभी लोग सारे सोए हुए हैं। हम रात को टाइम से आ गए थे तकरीबन 11 बजे, 6 बजे उठ के गाड़ी स्टार्ट की है तो हवा पूरी की है, नमाज वगैरह पढ़ी है, तो अभी इंशाल्लाह 7 बजे निकल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इधर से तकरीबन 750 किलोमीटर है रियाज, बड़े आराम से इंशाल्लाह जो है ना शाम तक पहुंच जाएंगे। और रियाज की नो एंट्री जो है वो रात को 11 बजे खुलेगी, उससे पहले इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जी दोस्तों, अभी 3:30 हो गए हैं शाम के, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अलगात पे, अलगात की चढ़ाई और उतराई पे, वो सामने अगर आपको नज़र आ रही हो कैमरे में नहीं भी लगती इतनी, लेकिन जो गाड़ी चढ़ रही होती है ना ऊपर उसको पता होता है कितनी चढ़ाई है, या जो गाड़ी ऊपर से नीचे उतर रही हो उसको पता होता है कितनी उतराई है। उत्तू लाने बंदे तो इंज लगता जी मैं खूह चला चलावा, तो जरा इधरों चढ़ता उन्होंने इंज लगता जिम्मे मैं आसमाना से चढ़ चला वा, चढ़ाई मुकती नहीं पी। अज लोड भी हमारे पास चंगा तगड़ा लोड है, 25 टन वादा ना भाई, 25 टन। अभी देखते हैं हमारी गाड़ी किस तरह चढ़ती है, चढ़ते जाए थी बहर हाल रो रो के चढ़ना हो ऊपर जाते तक मुझे लगता है कि 10-15 की स्पीड 10 तक पहुंच जाएगी। अभी इधर से मैं 80 पे भी लेके जाऊँ ना तो चढ़ाई ख़त्म होने तक तकरीबन जो है ना मेरी गाड़ी की स्पीड रह जाएगी 10। पैर दे रहा हूँ अभी मैं, वजन बहुत ज़्यादा है, एक्ट्रेस गाड़ी जो है ना अपनी मर्जी से आराम आराम से स्पीड पकड़ रही है, एक्ट्रेस गाड़ी का यही सब मसला है। अभी गाड़ी की मेरी स्पीड जो है ना 80 हो गई है, 80 पे अगर मैं चढ़ना शुरू करूं तो एंड तक जाते जाते जो है ना 10 की स्पीड पे पहुंच जानी है मेरी गाड़ी, अगर कोई आगे गाड़ी ना आई मेरे।
एक पीछे अलमराई वाला भी जो है ना मेरे साथ आ रहा है, अभी ओवरटेक पे निकाल रही है। उसके पास वाल्वो गाड़ी है, वाल्वो की तो क्या ही बात है यार, मैंने पहले वाल्वो चलाई हुई है गाड़ी, अखीर है माशाल्लाह, मज़ा है वाल्वो का ज़्यादा। उसको कोई परवाह नहीं, अलगात की चढ़ाई पे बेशक 30 टन वजन जो है ना डाल लो उसके ऊपर, कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। ये देखें अलमराई की गाड़ी है, इसके पास भी वजन काफ़ी होगा, दूध छूद या खाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी वजन ज़्यादा होता है। लेकिन भाई वाल्वो को कोई परवाह नहीं, सब्र करना। उन ये देखें भाई, वो सामने ऊपर शुरता खड़ा है कुबरी के ऊपर, पर इसने मेरी जो है ना अभी पूरी ओवरटेक मारा नहीं है तो मेरे ट्रैक में करने लग गया शुरते के डर से। अभी इस कुबरी से भाई चढ़ाई शुरू होती है, पर मेरी गाड़ी की स्पीड अभी इसे 70 हो गई है। बारहवें गियर पे थी, देखते हैं अभी ऊपर जल्द जल्द 5वें गियर पे आ जाना इसने। 10 कुछ बंदे यार होते हैं ओवरटेक करते हैं और जब सामने छुटता आ जाए, छुटते को देख लेना, तो फिर ये नहीं देखते कि नीचे गाड़ी है और मैं उसका जो है ना साइड को दबा रहा हूँ, तो उसी टाइम जो है ना फिर गाड़ी को साथ में लगा देते हैं। यहाँ तो पहलू ओवरटेक मारो ना, जे मार ले तो फिर हौसला करो, जिगरा रखो कि जे ओवरटेक पूरा मार के फिर जड़ा वे गड्डी ट्रैक चलाओ। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, 6वें गियर पे आ गई है भाई और स्पीड मेरी 20 हो गई है। भाई ये चढ़ाई जो है ना है ही बहुत सख्त चढ़ाई है, शायद कैमरे में आपको इतना ना महसूस हो रहा हो लेकिन जो है ना ये बहुत तगड़ी चढ़ाई है, बहुत तगड़ी है। वजन भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, 25 टन वजन है, इसलिए। और एक्ट्रेस और वाल्वो का भी जो है ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर इस जगह पे वाल्वो होती तो ऊपर 30 टन भी वजन होता ना तो अभी तक मैंने वो अलमराई के पास होना था, जो अलमराई गाड़ी है चढ़ाई यानी खत्म कर जानी थी, ऊपर पहुंच गया होना था। लेकिन अभी मैंने आधी चढ़ाई चढ़ी है और गाड़ी मेरी स्पीड जो है ना 15 पे चढ़ रही है, 5वां गियर है अभी, इससे स्पीड ऊपर नहीं जाएगी इसकी, ऐसे ही चढ़ना है इसने। और यहाँ पे अगर वाल्वो होती, वाल्वो ने भाई अभी तक जो है ना चढ़ाई चढ़ जानी थी, बेशक इससे 5 टन वजन ज्यादा भी होता तो कोई टेंशन नहीं थी उसे। देख ले 5वां गियर अभी और 12 की स्पीड हो गई है। चल कोई नहीं कोई नहीं, मत मार, पढ़ चले यार पढ़ चले यार, टेंशन नहीं लानी। अल्लाह अकबर, चौथा गियर हो गया भाई, गियर छोटा हो गया और 10 की स्पीड हो गई है और अभी मेरी चढ़ाई आधी हुई है, आधी अभी रहती है। इधर से ऐसे लगता है कि जिधर से ये पहाड़ शुरू हो रहा है ना उधर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आगे तक है भाई। मैं कह रहा था कि मेरे आगे कोई गाड़ी ना आ जाए, मेरी गाड़ी भैया पहुंची नहीं है किसी गाड़ी तक, तो आगे क्या आनी है गाड़ी। तीसरा गियर हो गया, हिम्मत मार हिम्मत मार हिम्मत मार, ना का रेंज अभी मेरे पीछे गाड़ियां लग गई हैं, लाइन लग गई है मेरे पीछे। जोर लग रहा गाड़ी का, देखने अभी जब नीचे था तो ऐसा लग रहा था जहां से पहाड़ शुरू होता है वहां पे चढ़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तक देख लें सामने भी चढ़ाई जो है ना बाकी है।
बॉडी का टेम्परेचर तो सेट रहा, ऊपर नहीं गया, मुझे लगता था कि 100 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल सेट रहा। और जो है ना वैसे स्पीड बहुत कम हो गई है, टेम्परेचर इसका अभी 95 है, बेहतरीन टेम्परेचर है, बिल्कुल भी टेम्परेचर ऊपर नहीं गया गाड़ी का, 100 तक भी नहीं गया, मुझे लगता था 100 तक चला जाएगा लेकिन 100 तक भी नहीं गया, 98 से फिर वापस आ गया। अभी तकरीबन पहुंच गए हैं, वो सामने जो नीला बोर्ड लगा हुआ है ना वहां तक है। सात मिनट लगे हैं मुझे चढ़ाई चढ़ते हुए, 7 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से चढ़ा है जनाब। अभी गाड़ी बिल्कुल इजी हो गई है, आवाज़ भी और टेम्परेचर भी 94 पे आ गया, और गियर भी 7वां कर गई है, अभी तीसरे गियर से 7वें पे आ गई है, अभी 8वां कर लिया। अभी इधर ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, इधर तकरीबन ख़त्म हो जाती है चढ़ाई। इधर तक की थी बस जी दोस्तों। अभी शाम के 5 हो गए हैं और मैं भाई इधर पहुंच चुका हूँ रियाज। अभी तकरीबन रहता है मेरा 100-125 किलोमीटर, तो अलबैग के चक्कर में मैं इधर आ गया हूँ। पेट्रोल पंप अभी बंद है, लेकिन पता नहीं अब अलबैग चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसके चक्कर में मैंने दोपहर भी खाना नहीं खाया, पर अभी शाम हो गई है तो अगर चल ना रहा हुआ तो फिर तो प्रैंक हो जाना हमारे साथ। पहली बार रुक रहा हूँ मैं इधर, अभी पता नहीं क्या सीन है, पेट्रोल पंप तो बंद है, अभी चालू नहीं हुआ, अभी नया बना है, और अलबैक पता नहीं चालू हो गया कि नहीं हुआ, अभी इधर जाके पता चलेगा, देखते हैं। अभी मुझे लग नहीं रहा यार चालू हुआ हो। प्रैंक हो गया दोस्तों हमारे साथ, प्रैंक हो गया, क्योंकि अभी अलबैक नहीं चालू, इसके चक्कर में भाई मैंने पीछे भी ना खाना नहीं खाया, और अभी शाम के 5 हो गए हैं, अभी पता नहीं आगे होटल है कि नहीं है, काम तो बड़ा ख़राब होया उनको। चलो वेने कुछ लभदा कि नहीं लभदा, जेड़ा साढ़े नसीबा जो है सू लभ ही जाना है जी दोस्तों। अभी इधर एक पेट्रोल पंप मिला है, इधर ढूंढते हैं अगर पाकिस्तानी होटल मिल गया तो, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं मिलता, पहली बार मैं इस पेट्रोल पंप पर रुका हूँ। एक होटल तो है लेकिन ये नहीं पता पाकिस्तानी है या कौन सा है, बंधु भाई है इसको पूछता हूँ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? पाकिस्तानी होटल किधर है? इधर उस साइड पे है, हमाम है उधर के, ये बस हमाम, ये पाकिस्तानी नहीं है? हाँ अरबी, आरा भी नहीं चाहिए, वो कह रहा भाई उस साइड पे आ गए हैं, चलो ढूंढ लेते हैं पहले, ज़रा फ्रेश हो जाए हमाम से। मता तो खूबसूरत बना हुआ है, ये है जी मकाम खिजर मोर, ये यमनी होटल है, इस होटल का नाम है मकाम खिजर मोर, ये यमनी होटल है, यमनी। चलें अल्लाह खैर करे जी, लब लेते हैं होटल पाकिस्तानी। हाँ जी दोस्तों होटल तो सुन गया लब, हूँ अल्लाह करे इधर रोटी चंगी होवे। हाँ जी दोस्तों बिरयानी मंगवाई है, वेखा जी तो चंगी लगती है भाई, अल्लाह करे हूँ जी चंगी होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, नॉट बैड, गुड चलेगी जी। दोस्तों अभी खाना खा लिया शाम का, ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा था। होटल बैक साइड पे था, इधर डीजल वाली मशीनें इधर लगी हुई हैं, बैक साइड पे पार्किंग भी ट्रकों की इधर है, ये फ्रंट साइड है, और जो है ना पार्किंग इस साइड पे है ट्रकों की, इसलिए पाकिस्तानी होटल जो है ना बैक साइड पे बना हुआ है। अभी उधर सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, बहुत दूर, चाय भी ले ली है, अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, उधर बैठ के आराम से चाय पी के फिर निकलूँगा,
तकरीबन इधर से 100 किलोमीटर रह गया रियाज, और घंटा डेढ़ में पहुंच जाऊंगा। ममनू रात को 11 बजे खुलना, अभी 7 हुए हैं, उधर जाके भी खड़े ही होना है। जी दोस्तों, अभी शाम के 9 हो गए हैं और मैं रियाज में पहुंच चुका हूं। तो ये देखें सारी गाड़ियां इधर जो है ना खड़ी हैं, क्योंकि आगे जो है ना अभी ममनू लगा हुआ है, 11 बजे खुलना है रात को। तो अभी मैं भी इधर एक पार्किंग ढूंढ के जो है ना गाड़ी लगाता हूँ, क्योंकि आगे वो सामने कुबरी है तकरीबन आधा किलोमीटर आगे, और उधर जो है ना कैमरा लगा हुआ है, उससे आगे नहीं जा सकते ज़्यादा, इधर ही कहीं पे गाड़ी पार करते हैं। 11 बजे के बाद अभी सो जाता हूँ, जब 11 बजे के बाद आँख खुलेगी तो उसके बाद फिर उठ के जाएंगे आगे इंशाल्लाह।